नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ये तो सभी जानते हैं कि अब भारत का कानून अंधा नहीं कहलाएगा, क्योंकि न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी जो हट चुकी है। देर से ही सही, लेकिन ये काम हो चुका है। इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को जाता है, जिनके आदेश पर अब अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके जरिए स्पष्ट रूप से आम लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून अंधा नहीं है। इन बदलावों का चौतरफा स्वागत किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि न्यू स्टैचू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस में क्यों बदलाव किए गए हैं और मूर्ति किसने बनाई है। देश में समय समय पर अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। अब इसी क्रम में न्यायपालिका ने ब्रिटिश युग से बाहर निकलने की शुरुआत कर दी है। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परिपाटी को बदलकर उसमें भारतीय रंग घोलने के लिए ये कदम उठाया गया है। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इस पट्टी को खोल दिया गया है। CJI का मानना है कि अंग्रेजी विरासत से अब आगे निकलना चाहिए। कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सबको समान रूप से देखता है। वहीं नई मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू तो अब भी है, लेकिन बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। मूर्ति के हाथ में तराजू का मतलब है कि न्याय की देवी फैसला लेने के लिए मामले के सबूतों और तथ्यों को तौलती है। वहीं तलवार हिंसा का प्रतीक है और अदालतें हिंसा नहीं संवैधानिक कानूनों के तहत इंसाफ करती है। वहीं नई मूर्ति गाउन की जगह भारतीय परिधान साड़ी पहने हुए है, जो दर्शाता है कि देश के न्याय का भारतीयकरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित नई मूर्ति को मशहूर शिल्पकार विनोद गोस्वामी और उनकी टीम ने बनाया है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में मशहूर मूर्तिकार विनोद गोस्वामी ने बताया कि न्याय की देवी का नई मूर्ति को तराशने में 3 महीने का समय लगा। चीफ जस्टिस के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के मुताबिक ही नई मूर्ति तैयार की गई है। सबसे पहले इसकी ड्रॉइंग बनाई गई, फिर छोटी मूर्ति। जब चीफ जस्टिस को ये पसंद आई तो 6 फीट ऊंची बड़ी मूर्ति बनाई गई, जिसका वजन 125 किलो है।